शामिल करेंगे। खानकाह डोगरा से, खानकाह डोगरा में बाप ने गैरत के नाम पर अपनी जवासाला बेटी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम पुलिस की मौजूदगी में झांसा देकर राह फरार इख्तियार कर गया। खानकाह डोगरा के मोहल्ला सुल्तानपुरा के रहायशी आफाक हुसैन को अपनी बेटी के किरदार पर शक था, जिस पर अक्सर उसने अपनी बेटी की सरजनिश भी की। तहम बाज न आने पर मुलजिम ने अपनी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मुलजिम आफाक उस वक्त तक छुरियों के वार करके अपनी बेटी हूरिया आफाक को कत्ल कर चुका था। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिम आला कत्ल समेत दीवार फलांग कर फरार हो गया। SHO थाना डोगरा इमदाद हुसैन शाह के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुदैयत में दर्ज कर लिया गया है, जबकि लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए कहा है कि कातिल को उन्होंने खुद पेश किया लेकिन वो फरार हो गया और उनकी मौजूदगी में पुलिस की मुदैयत में मुकदमे का इंदराज ज्यादती पर ज्यादती है। मुतासरीन ने आला हुकाम से वाकये का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की, जहां पर बाप ने गैरत के नाम पर अपनी जवासाला बेटी को कत्ल कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सर अली से। मुदस्सर अली, बताइएगा कि इस जालिम बाप को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, ये मोहल्ला सलामपुरा की रहायशी है आफाक, सैयद आफाक शाह, जिसने अपने जवासाला बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी छापे मारने शुरू कर दिए हैं। अब हमारे पास इत्तला ये कि पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ उन्होंने दो और लड़के भी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन उनके साथ भी पूछताछ की जा रही है। और पुलिस की जानब से ये मौकफ इख्तियार किया गया था कि ये जो पर्चा है ये पुलिस की मुदैयत में दर्ज किया जाता है, लेकिन वर्षा ने इत्तेजाज किया है कि ये पर्चा हमारी मुदैयत में दर्ज किया जाए। जी मुदस्सर अली, आप ये भी बताइएगा कि मुल्जिम की अहलिया का इस हवाले से क्या कहना है? मुल्जिम की अहलिया तो वफात पा गई थी 2 साल पहले ही। वो इसकी अभी इसकी वर्षा जो इसकी दादी है डॉक्टर तस्लीम कौसर, वो इस केस की पैरवी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे खानकाह डोगरा से, जहां पर बाप ने गैरत के नाम पर अपनी जवासाला बेटी को कत्ल कर दिया महज इस वजह से कि उसको उसके किरदार पर शक था।